26 01, 27 04, 28 09, 29 16, 30 25, 31 36, 32 49, 33 64, 34 81। जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, यह हम रट्टा नहीं मारे हैं, रट्टे नहीं हैं, याद नहीं किए हैं, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट वैसे लिखते चले हैं, इतना ही फास्ट आप लिखेंगे, लेकिन 5 मिनट वीडियो को देखेंगे तो जरूर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा पूरा वीडियो देखेंगे, इसके अलावा जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसका वर्ग कैसे किया जाता है, या 1 से 100 या किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, सरल से सरल तरीका आपको इसी वीडियो में हम क्लियर कराएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको समझिए कैसे है कंसेप्ट। देखिए, इसमें आपको 25 और 50 ये दो संख्याएं मान रखना होगा, 50 जो है और 25, ये देखना होगा 50 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा उसी का हम वर्ग करके लिखेंगे और वही 25 में जोड़ के लिख देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा, वही वर्ग होगा। ठीक है, देखिए जैसे 51 है, 1 ज्यादा है ना, तो 1 का वर्ग 0, 1, 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 2 ज्यादा है 50 से तो 0, 4, 2 का वर्ग 25 में 2 जोड़ेंगे 27, जब तक 2 अंक नहीं आएगा तब तक 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाते रहेंगे। ठीक है, ये 3 ज्यादा है, 50 से 3 ज्यादा है, 3 जाए 9, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 4 ज्यादा 4 चौक 16, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 5 ज्यादा है 55 25, लेकिन वही 25 में 5 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, ये 25 और 30, 6 ज्यादा 6 36, और 25 में 6 जोड़ेंगे 31, 7 ज्यादा 57 है, 50 से 7 ज्यादा 7 49, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, 8 9 64, और 8 जोड़ देंगे 25 में 33, 9 ज्यादा 9 81, और 25 में 9 जोड़ देंगे 34। अब यहाँ एक चीज आपको कॉमन मिल रहा होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ऐसे वर्ग आया 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ये भी देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए 59 है, 64 65 66 कैसे कर दिया जाए जिसमें हासिल आ जाए, मान लीजिए 63 है, 63 का अगर वर्ग करना हो तो 13 ज्यादा है 50, 50 अगर 13 ज्यादा है, 13 का वर्ग 13 करहीम 169 होता है, लेकिन दो ही अंक हमको लेना है यहाँ पे, 13 करहीम 169, यहाँ 69 लिखेंगे, अब उसके बाद एक अभी बचा है, अब 13 जो ज्यादा है 25 में हम 13 जोड़ देंगे, जब 25 में 13 हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 25 और 13 38 हो जाएगा, 38 में यही जो हासिल है जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, 39 69 आएगा। कोई और देख लीजिए, 66 का देख लीजिए, इसका वर्ग 16 16 256 होता है, 256 तो 2 अंक हम यहाँ लिख लेंगे 56, फिर 16 ज्यादा है ना, तो 25 में 16 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बचे 41 हो जाएगा, 25 और 16 41 होता है, 41 में ये दो हासिल जोड़ देंगे 43 हो जाएगा, यही आप। लेकिन बड़ी संख्याओं 80 82 78 ये सब कैसे, अभी एक नियम और हम आपको बताते हैं जो कि सब पे काम करेगा। चलिए, 50 से जितना ज्यादा है उसी का वर्ग करके वही 25 में हम जोड़ते हैं, सिंपल सा बहुत आसान तरीके से निकल जाए। अब देखो 50 के नीचे वाली संख्या क्या है, 49 है ना, 1 कम है, उसमें हम जोड़ रहे थे 25 में और इसमें 25 में घटाएंगे, क्योंकि कम है तो घटाएंगे, और इधर ज्यादा था हमने जोड़ा था, ज्यादा था तो जोड़ा था, इधर कम है तो घटाएंगे। देखो 1 कम है ना, वही 1 का वर्ग करेंगे, जैसे इसमें वर्ग करते चले हैं, 25 में जो घटाएंगे 24 आएगा, 2 कम है 50 से 48 है, 48 50 से 2 कम है तो 2 का वर्ग 0 4, 25 में 2 घटाएंगे 23, 3 कम है 50 में तो 3 क्या है 9 0 9, 3 घटा देंगे 25 में से 22, 4 कम है 50 से 4 चौक 16, और 25 में 4 घटाएंगे 21, यहाँ 5 कम है 50 से 50 25, और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, 6 कम है 50 से 6 6 36, 25 में 6 घटाएंगे 19,
सात का मैं 50 से 43 से 7 से 49, 25 में 7 घटाया 18, 8 का मैं 50 में से 42 ले तो 8 का मैं 8 टाइम 64 और 8 घटा देंगे यहां 17 आएगा, 25 में 7 घटाएंगे ये 9 का मैं 50 में से 41 का वर्ग अगर पूछे तो 9 81, 50 में से 25 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो 16 आएगा। अब जैसे मान लीजिए 37 का ग्रह कर दिया जाए या 36 का या 38 का, ये तो आपको मालूम हो गया होगा। चलिए देखिए अब इसके अलावा अगर यहाँ 38 का दिया जाए, 38 का वर्ग तो 12 का मैं 12 बार ये 144 होता है तो यही दो अंक हम लिखेंगे 44। अभी एक हासिल बचा है ध्यान दें, अब जो है 12 हम 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 है और 13 में एक हासिल जोड़ के 14 लेंगे तो 14 44। अगर मान लीजिए 37 अगर है, 37 को वर्ग करना है, 13 का 13 त्रय 169 होता है, ये दो अंक हम यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद 13 हम घटा देंगे, 13 घटाएंगे हम 25 में से तो 12 आएगा, 12 में एक जोड़ देंगे यहाँ से 13 69 होता है 37 का, 38 का 14 44 होता है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे होगा, देखिए बहुत ही सरल है वो तो इससे भी सरल है। जैसे मान लीजिए 15 का वर्ग 25 का वर्ग लास्ट 5 है, 35 का वर्ग 45 का वर्ग और यहाँ 55 का वर्ग 65 का वर्ग 75 का वर्ग 75 का वर्ग जो है 85 का वर्ग 95 का वर्ग, ये देखो सबके लास्ट में 5 है तो सबके लास्ट में 5 आएगा 25 आएगा, 5 वर्ग 25 आएगा। और जो बगल में लिखेंगे जैसे यहाँ 8 से बड़ा 9, 8 9 72 25, जैसे 9 है 9 से बड़ा 10, 10 में 90 25 इसका होगा, यहाँ 45 से 4 से बड़ा 5, 5 50 25 25, मतलब ऐसे देखिए जैसे 15 है 15 5 25, 1 से बड़ा 2 होता है, ये वाली जो संख्या है इससे बड़ा अगर किसी में हम गुणा कर देंगे 1 2 2 225, 50 25, 2 3 2 3 6, 50 25, 3 4 3 4 12, 50 25, 4 5, यानी 4 5 4 5 में 4 5 20, 50 25, 5 1 6 में बुरा 5 6 30, 50 25, 6 6 7 में बुरा 6 42, 5 50 25, सबके लास्ट में 25 रहेगा और 50 25 यहाँ 7 8 7 8 56, यहाँ 50 25, 8 9 में बुरा 8 9 72, यहाँ 50 25 और 9 10 में बुरा 9 10 90। प्यारे दोस्तों अगर समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए अब जैसे किसी भी संख्या का वर्ग अगर करना हो 1 से 100 के बीच में, पहले देख लीजिए 1 से 100 के बीच में मान लीजिए जैसे 24 है ना, 24 का वर्ग कैसे होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा 2 का वर्ग 0 4, 4 का वर्ग 4 16। अब ये तीन संख्या हमको दिख रहा है 2 4 और 2, तो इसी तीनों को आपस में गुणा करके इसी में जोड़ दीजिए आ जाएगा 2 4 8 16, लेकिन एक अंक छोड़ के हम लिखेंगे इधर, एक अंक इधर का छोड़ के लिखेंगे 16, यहाँ 6 6 7 4 5 576। ऐसे ही देखिए मान लीजिए 32 का वर्ग निकालना है तो 32 का क्या करेंगे, 2 का वर्ग 0 4,
तीन का वर्ग 09 और यहाँ 3 × 6 = 12 12 एक अंक इधर से छोड़ के लिख लीजिए 12 ये 4 ये 2 और ये 9 × 1 = 10 1024 कोई भी देख लीजिए ऐसे बस आपको क्या करना है कोई भी संख्या 7 और 4 74 का वर्ग 74 का वर्ग हमें क्या करना होगा सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके लिख देना होगा बाद में इन तीनों को आपस में गुणा करके एक अंक पहले लगा के मतलब एक अंक पहले लिखना है उसके बाद जोड़ देना है बस और कुछ भी नहीं बहुत ही आसान है एकदम सरल है देखिए ये 7 × 49 4 × 16 7 × 28 = 56 यहाँ लिख दीजिए एक अंक छोड़ दीजिए 6 × 6 = 7 9 × 5 = 14 1 × 4 = 5 54 अब मान लीजिए जैसे 82 का वर्ग देखो अब ये 8 × 64 2 × 2 = 4 = 0 अब 8 × 16 = 32 यहाँ लिख दीजिए ये 4 जोड़ दीजिए 2 और 4 × 7 = 6 6 × 7 = 24 आएगा या मान लीजिए 65 का अगर वर्ग करना है अभी इसका नियम हमने बताया 50 25 6 × 7 6 × 42 42 × 25 अब इस नियम से देख लीजिए इसका आना ये क्या 42 और 25 मतलब 55 25 6 × 7 6 × 42 ये 65 है ना यानी इसके जो है एकदम बेसिक मेथड से 6 × 36 55 25 और 6 × 5 = 30 6 × 5 = 30 × 60 जोड़ दीजिए 5 ये 2 6 × 12 2 और 1 × 3 = 4 42 25 यहाँ 42 25 राइट अब तो समझ गए होंगे कि अभी और बताना होगा देखो 94 का वर्ग 9 × 9 = 81 9 × 81 4 × 16 और 9 × 36 36 × 72 6 × 2 = 3 7 × 1 = 8 88 और 36 होगा 88 36 देखिए कोई भी निकालिए किसी भी संख्या का निकालिए 23 का निकाल लीजिए 23 का वर्ग 2 × 2 = 4 = 0 अगर 2 अंकों में नहीं आ रहा तो 0 लगा के लिखना होगा 3 × 9 = 0 और 2 × 6 = 12 जोड़ दीजिए 9 × 2 = 5 = 0 यानी 0 से कोई मतलब नहीं 529 आएगा अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 34 है 34 पर 3 × 9 = 0 4 × 16 3 × 12 12 × 9 = 24 जोड़ दीजिए 6 × 5 = 11 1156 आएगा कोई भी संख्या ले लीजिए बहुत ही आसान है 46 ले लीजिए 4 × 16 6 × 36 और 4 × 24 = 48 जोड़ दीजिए 6 × 8 = 11 और 6 × 4 = 11 1 × 1 = 2 21 16 है वेरी सिंपल और उस मेथड से भी 4 कम है 4 × 16 और 25 में 4 घटा दीजिए 21 आ जाएगा चलिए अब ये तो लगभग समझ में आ गया मान लीजिए 54 का लास्ट है आपको समझ में आ गया सबसे पहले हमें ये देखना होगा दो संख्या 5 और 4 ये दोनों को हम वर्ग करके लिखें 55 25 4 × 16 अब ये 5 है 4 है और 2 है इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे 5 और 20 20 × 40 40 यहाँ जोड़ देंगे एक अंक पहले जोड़ेंगे एक अंक छोड़ के लिखेंगे ये 6 ये 1 5 × 4 = 9 और ये 2 29 16 क्या आया 29 16 वैसे भी 50 25 अगर देखना है तो 25 से 50 में 4 ज्यादा है 54 है 4 ज्यादा 4 का वर्ग 4 × 16 होगा 4 का वर्ग 4 × 16 और ज्यादा है तो 25 में जोड़ना पड़ेगा 25 4 29 मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक करें